बिल है वो हाफ आएगा जितने भी यूनिट्स होंगे इस किट की बदौलत। जो डे टन का एसी होता है वो जो स्टार्टिंग में 10 से 11 एम्पीयर लेता है तो वो 3-3.5 एम्पीयर पे आ जाता है। पूरे पाकिस्तान में लोग हमसे रब्ता करते हैं, हम लोग उनके एड्रेस में घर तक ये डिवाइसेस पहुंचा देते हैं और इसकी प्राइस हमने इतनी मिनिमम रखी है कि जितनी हमारी कॉस्ट आ रही है तकरीबन आधा बिल इससे आपको मिल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप न्यू डिजिटल देख रहे हैं, मेरा नाम सैयद फरहान जफर है। बिजली को बिलों ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है और वो लोग जो कि एक एसी में पूरी पूरी फैमिलीज गुजारा करती थी, अब वो भी ये सोच रहे हैं कि हम एसी चलाएं ना चलाएं। लेकिन इस तमाम महंगाई का तोड़ हम जो है वो निकाल के ले आए हैं। इस वक्त ख्वाजा तलहा हमारे साथ मौजूद है, नौजवान है ये, और ये इनकी इस वक्त हम एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मौजूद हैं जहां पर ये जो एसी हैं घरों के उसके अंदर ये किट लगा रहे हैं, जिसके अंदर किट लगाने से आपके बिजली के बिल को आधा कर देगी ये किट, यानी कि आप अगर जितना मर्जी एसी चलाएं उसमें आपका जो बिल है वो हाफ आएगा जितने भी यूनिट्स होंगे। इस किट की बदौलत जो है वो आप एसी इतने खुल के चला सकते हैं कि आपको ये आइडिया होगा कि आपकी जो बिजली के यूनिट्स बन रहे हैं उसमें खासी कमी हो जाएगी। ये एक्चुअल है कि आप कितने की आती है, ये कैसे काम करती है, ये तला भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। तला भाई ये क्या बना दिया है, ये तो पकड़े जाएंगे आप। सर ये एक सिंपल सी इम्पेयर लॉक डिवाइस है जो कि किसी भी इन्वर्टर एसी के साथ आप अटैच कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का और नया या पुराना। आपने सिर्फ इस किट को अटैच करना है, एक दो बार इसकी सेटिंग कर लेनी है और उसके बाद आपका एसी मिनिमम एम्पीयर्स के ऊपर चलेगा, यानी स्टार्ट ही कम बिजली लेने से होगा और फिर उतने के ऊपर ही रेगुलर चलता रहेगा, जिसका लोगों को काफ़ी फायदा हो सकता है। ये इसकी क्या आपको आउटपुट आ रही है, इसकी लोगों ने जो लगवाए हैं आपसे वो क्या आपको इसका रिव्यू दे रहे हैं? इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है, तकरीबन जो डे टन का एसी होता है वो जो स्टार्टिंग में 10-11 एम्पीयर लेता है तो वो 3-3.5 एम्पीयर पे आ जाता है, और स्टार्टिंग यानी 3 एम्पीयर से लेता है, और जो 1 टन का एसी है नॉर्मली वो 6-7 एम्पीयर के ऊपर चलता है, और इस किट को लगाने के बाद वो 2.5 एम्पीयर से स्टार्ट होता है और उतने के ऊपर ही इसकी कंजम्पशन रहती है। इसका कोई एसी के ऊपर तो नहीं इफेक्ट पड़ता, एसी तो नहीं खराब हो जाता? नहीं, एसी के ऊपर इसकी किसी किस्म का इफेक्ट नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो हमारा बॉक्स है इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर चिप लगी हुई है जिसके अंदर एक प्रोग्राम सेट है, इसने सिर्फ एसी को सिग्नल देना है, जो एसी का अपना मदरबोर्ड है कंप्यूटर है उसको उसने सिग्नल देना है कि आपने अपने कंप्रेसर को अपने सिस्टम को मिनिमम आपने स्पीड के ऊपर चलाना है जिससे आपकी कंजम्पशन कम होगी। ठीक है, तो इसने आपके एसी को नहीं चलाना, एसी को चलाना उसके बोर्ड नहीं है, इसने सिर्फ उसको सिग्नल देना है। इसकी वजह से एसी के ऊपर कोई फर्क नहीं आता क्योंकि एसी का वही सिस्टम जो ओरिजिनल हालत में होता है वैसे ही चल रहा है। और कूलिंग, कूलिंग का मैं आपको बताता चलूँ कि जो हम लोगों ने लोगों के पास लगाए हैं उन्हें कोई इतना खास फर्क नहीं महसूस होता क्योंकि आपके एसी का साइज, कंप्रेसर का साइज सब कुछ हुआ है, सिर्फ बिजली की कंजम्पशन कम होती है और उससे आपको समझ लें 19-20 का फर्क पड़ता है, आपको 80-90% तक कूलिंग आपको मिलती रहती है जो कि नॉर्मल फैमिली के लिए सफिशेंट है। ये किट को एक्चुअल कहते क्या हैं? ये हमारी इन्वर्टर एसी एम्पीयर लॉक डिवाइस है जिसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल कर सके चुके हैं। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि हम लोग के पास कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, मेरे पास पूरी रजिस्टर बुक है। दिखाएं अगर हमारा कैमरा अगर उधर दिखाए, बिल्कुल। तो ये हमारे एक दिन के ऑर्डर्स हैं जो कि यहाँ से हम लोगों ने जिसके आगे क्रॉस है इनको हम लोगों ने लगा लिया हुआ। ये हमारे सीओडी की अमाउंट्स है, रोज के हम लोग तकरीबन 10-15 ऑर्डर्स हम लोग लाहौर में इंस्टॉल भी कर रहे हैं और दूसरे शहरों में हम लोग भेज भी रहे हैं। TCS के थ्रू हम अपने ऑर्डर्स भेजते हैं, ये आप स्लिप्स देख सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में लोग हमसे रब्ता करते हैं, हम लोग उनके एड्रेस में घर तक ये डिवाइसेस पहुंचा देते हैं और उसके बाद वो लोग बड़े आराम से खुद भी इसको इंस्टॉल कर देते हैं। इसको लगाना भी कोई मुश्किल नहीं है, इसको बहुत इजीली हर बंदा अपने घर में खुद इंस्टॉल कर सकता है, कोई इसकी किसी किस्म की जरूरत। ये तला भाई जो है वो दिखा रहे हैं कि ये पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी ये किस तरह जा रहा है और लाहौर शहर में भी ये लगा रहे हैं और हर आम बंदा जो है वो खुद से लगा सकता है। मुझे ये बताएं इससे पहले कोई बना रहा है ये? इससे पहले पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा ये डिवाइस नहीं बना रहा ये, और इसकी प्राइस हमने इतनी मिनिमम रखी है कि जितनी हमारी कॉस्ट आ रही है इस वाले से भी लोग बहुत खुश हैं। बताएं जरा प्राइस। तो प्राइस का अगर मैं बता चलूँ तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया इसकी प्राइस है विद फ्री कैश ऑन डिलीवरी। पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी लोग हमसे मंगवाते हैं तो पहले डिवाइस मंगवाएं उसके बाद हमसे पैसे दें। और लाहौर में भी ऐसा है कि हमें एक फ़ोन करते हैं, हमारी टीम जाके उनके घर में इंस्टॉल करती है, 2,000 रुपया फिटिंग के चार्जेस लेते हैं और इंस्टॉल करने के बाद तसल्ली करवा के फिर कस्टमर से पैसे लेते हैं कि अब आप हमें पैसे। और इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का मैं आपको बता रहा हूँ कि लाहौर में 2,000 रुपया हमारी चार्जेस है। हम मैं आपको बताता चलूँ कि इसको किस तरह के लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसके अंदर ये नहीं है कि जो गरीब बंदा है जो बिल से बचना चाह रहा है सिर्फ वही इसको लगवा रहा है।
आपको पता है कि आजकल बिजली का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जिसके घर में 4-5 एसी लगे हुए हैं उसका तो 1.5 लाख 2 लाख तक भी उसका बिल क्रॉस कर जाता है। तो इस वक्त एसी लेना कोई मुश्किल नहीं है, आपको 1.5 लाख रुपए का नया एसी मिल जाएगा, लेकिन उसको अफोर्ड करना ज़्यादा मुश्किल हो गया। यानी कि आप कहते हैं अमीर लोग भी लगवा रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा लगवा रहे हैं, बड़े बड़े घरों में हम लगा रहे हैं। इसके अंदर वो लोग भी लगा रहे हैं जिनका सोलर सिस्टम छोटा लगा हुआ है या कोई छोटा यूपीएस है उसके ऊपर वो चलाना चाह रहे हैं। किसी नामवर शख्सियत ने मंगाया हो, कोई है ऐसा कोई बड़ा बंदा? नहीं, मतलब कोई हमारे मीडिया से रिलेटेड तो किसी ने नहीं मंगवाया, लेकिन वैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके बड़े बड़े अपने फैक्ट्रीज हैं, ऑफिस हैं, इवन के गुलबर्ग में 2-3 बड़े ऑफिस हैं जिनके अंदर हम लोगों ने लगाए हैं, क्योंकि वहाँ के वो कहते थे कि हमारा स्टाफ जो है ना वो अपना एसी के दरवाजे मतलब कमरे के दरवाजे खोल देता था, और क्योंकि उन्होंने बिल तो देना नहीं होता, तो इसलिए लास्टली बस जाते जाते बता दें कि हम एक सपोज कर लेते हैं कि एक बंदे का बिल 1 लाख रुपये आ रहा है पर मंथ एसी चला के, तो अगर वो ये आपकी डिवाइस लगा लेता है तो उसको कितना फ़र्क पड़ सकता है? इसके अंदर आप देखें कि जब ये डिवाइस हम नहीं लगाते तो एक जो एसी होता है वो अपना फुल स्पीड के ऊपर जितने एम्पेयर ले रहा होता है उससे 3 गुना कम एम्पेयर ये डिवाइस लगाने से लेना शुरू होता है स्टार्टिंग में। तो ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होता है कि जिनके बच्चे हैं घर में, दरवाजे खुले रहते हैं और टेम्परेचर उस तरह से मेंटेन नहीं होता, उनको तो इवन के 1/3 भी हो जाता बिल, लेकिन नॉर्मली अगर आप एक हिसाब लगाएं तो तकरीबन आधा बिल इससे आपको मिल जाता है। यानी कि आधा हो जाएगा, जितना भी बिल आ रहा है उसका बिल्कुल हाफ कर, बिल्कुल आधा होता है। और मैं आपके तवज्जो से ये भी बताना चाहूँगा कि इसकी वायरिंग बहुत आसान है, अगर मैं थोड़ा सा अगर आप कहें तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ कस्टमर्स के लिए, ताकि वो बहुत ईजीली इसको इंस्टॉल कर सके। जो हमारी डिवाइस है इसके अंदर हम लोगों ने ये एक बटन दिया हुआ है जो कि इसका चेंज ओवर स्विच है, अगर आप इसको नीचे वाली साइड पर कर देंगे तो आप एसी को अपनी नॉर्मल हालत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये भी ऑप्शन है, काम नहीं कर रही। हाँ, ये इससे बाईपास हो जाता है। जब आप इसके बटन ऊपर वाली साइड पर करते हैं तो ये अपने एम्पेयर लॉक वाले फंक्शन में चल रही होती है, यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको नंबर्स नजर आ रहे होते हैं जो कि एम्पेयर होते हैं कि बिजली ले कितनी रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जब डिवाइस लगाते हैं तो इसकी एक दफ़ा हमने सेटिंग कर देनी है, लेट से कि 20 पे आपका टेम्परेचर आके यहाँ पे हमने सेटिंग कर दी है, आपके मिनिमम एम्पेयर पे चल रहा है, जब भी आप उसे उतने टेम्परेचर के ऊपर स्टार्ट करेंगे तो वो लेगा ही मिनिमम एम्पेयर। और सिर्फ वायरिंग इसकी बहुत ईजी है, इधर हमारी डिवाइस के साथ मैं चाहूँगा कि थोड़ा करीब होकर दिखाया जाए, तो इधर की जो सी हमारी 3 वायर्स हैं वो जो एसी की मेन आ रही होती है मेन सप्लाई उसके साथ लग जाती हैं, और जो इधर वाली 3 वायर्स हैं वो जो एसी के अंदर से किट में से वायर्स आ रही होती हैं उनके साथ लगते हैं। इसकी डिटेल वीडियो जो लोग हमसे ऑनलाइन परचेज करते हैं हम उन्हें सेंड भी कर देते हैं। यानी कि ये अगर आप पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के दिगर शहरों में भी मंगवा रहे हैं तो आप जो है वो उसको खुद इंस्टॉल कर सकते हैं, इनके पास डिटेल वीडियो भी है। और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि आपका बिल आधा कर देगा ये डिवाइस जो इन्होंने बनाई हुई है, ये इनको किस तरीके से पाकिस्तान के दिगर शहरों में भेज रहे हैं, लाहौर में भेज रहे हैं, और इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता जिस तरीके से हमने डिटेल में इनसे जानने की कोशिश की। और अगर आप चाहते हैं कि ये डिवाइस ना काम करे, आपका जो एसी है वो नॉर्मल कंडीशन में चले, तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी रीजनेबल जो है प्राइस में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है पाकिस्तान में, पहली दफ़ा ये कह रहे हैं कि ये हमने इंट्रोड्यूस कराई है, जहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ इंस्टॉल करके 12,000 रुपये की आपके घर में पड़ेगी और इसको आप लगवा के अपने बिजली के बिलों को अदा कर सकते हैं। आप लोग इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, इनका नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, और अगर आप किसी भी हवाले से इनसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। न्यूज़ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।